चुनाव सिर पर है, ऐसे में सभी सांसद फिर से अपना भाग्य आजमाने को आतुर है। वोट मांगने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जाने से पहले सांसद जनता से किए तमाम वादों को पूरा करना चाहते हैं ताकि चुनावों में इसका फायदा मिल सके। ऐसा ही एक वादा है ट्रेनों के ठहराव का, जिस पर सवार होकर फिर से राजनेता संसद पहुंचना चाहते हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सांसद अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले सभी सांसद चाहते हैं कि चुनावों के वक्त किए गए वादे जल्द निभाए जाएं। इन्हीं वादों में से एक वादा है रेलगाड़ियों को छोटे स्टेशनों पर रोकने का और नई रेलों के संचालन का। सभी सांसद उत्तर पश्चिम रेलवे से सिफारिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में लंबी दूरी की ट्रेनों को ठहराव दिया जाए, जिससे जनता को बड़े शहरों में जाने के बजाय अपने कस्बे में छोटे रेलवे स्टेशन से ही लंबी दूरी की ट्रेनें मिले। हालांकि रेलवे सांसदों की इन सिफारिशों को लागू तो कर रहा है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों को एक या दो मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। यूं रहेगा ट्रेनों का ठहराव। बाड़मेर ऋषिकेश एक मिनट के लिए सिर्फ दो दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। जम्मू तवी बाड़मेर एक मिनट के लिए सिर्फ दो दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। श्रीगंगानगर ऋषिकेश एक मिनट के लिए सिर्फ दो दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। बीकानेर हरिद्वार एक मिनट के लिए सिर्फ दो दिन यानी 8 से 10 मार्च तक रुकेगी। रोहतक हांसी रेल शहीद रामफल बलहारा हॉल्ट, खरखरा हॉल्ट और भालवा हॉल्ट स्टेशन पर ठहराव। खाटू श्यामजी मेले के लिए रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रेल का संचालन सिर्फ मेले तक। अबोहर जोधपुर भटिंडा रेल का जाजीवाल और उम्मेद पर अस्थायी ठहराव। जोधपुर भोपाल रेल का असारा नाडा और खारिया खंगार स्टेशनों पर ठहराव। सियालदा बीकानेर एक्सप्रेस का कोडरमा स्टेशन पर ठहराव। ये उन ट्रेनों और छोटे रेलवे स्टेशनों की सूची है जिन्हें हाल ही में ठहराव दिया गया है। ये सभी ट्रेनें अस्थायी तौर पर ठहराव करेंगी, यानी चुनावों तक ठहराव दिया जाएगा। इन स्टॉपेज की सूची देखकर आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि चुनावों के बाद सभी रेलों का ठहराव खत्म हो जाएगा और फिर से छोटे रेलवे स्टेशन वाले यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा। चुनावी फायदे के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के स्टेशनों पर तमाम सांसद ट्रेनों का ठहराव करवा रहे हैं और ये ठहराव यात्रियों के लिए सुविधा भी बन रहा है। लेकिन जब चुनाव खत्म होंगे, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद से ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया जाएगा और फिर यात्रियों को धक्के खाना पड़ेंगे। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार रेलवे जो ट्रेनों का ठहराव कर रहा है वो अस्थायी नहीं स्थायी तौर पर करेगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।